तो साहब सिटी के सोहाना रोड के स्पा सेंटर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ ओमैक्स सिटी, ओमैक्स प्लाजा, ओमैक्स मॉल, रहेजा मॉल और आईएलडी में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे स्पा सेंटर को सील करने पहुंची। वहीं नगर निगम गुरुग्राम ने ऐसे सभी स्पा सेंटर को जुलाई मंथ में ट्रेड लाइसेंस लेने के नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद स्पा सेंटर्स के संचालकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और एससी के तहत 45 से 50 स्पा सेंटर को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया। ये मामला ये है कि स्पा सेंटर और इसके अलावा और भी जो बिजनेस चल रहे हैं मॉल्स के अंदर सोना रोड पे या कहीं भी, तो उनको ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है अंडर सेक्शन 331 हरियाणा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 के अंदर, जो उन्होंने लिए नहीं हुए थे। पिछले एक महीने से दो बार नोटिस दिए जा चुके हैं, कई बार उन्हें जाके बताया गया है। इसके अलावा और भी अखबार के माध्यम से भी हमने संदेश किया है कि आप नोटिस देने के बाद कम से कम अपने लाइसेंस ले लो, जिसने ले रखा है रिन्यू करा लो, लेकिन लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया गया उनकी तरफ से, इसलिए इनको मजबूरन आज सील करना पड़ा। कौन कौन से इलाके में सीलिंग हुई है और कौन कौन से मॉल में हुई है सर? अभी फिलहाल ओमेक्स के दो तीन मॉल हैं इनमें हुई है, अभी जारी है, रेजा में भी होनी है, आईएलडी में भी होनी है, इनमें आज शुरू किया हमने अभियान, देखते हैं कितने दिन तक चलेगा।